A very good morning, students. I hope you all are happy at your homes and you all are very safe. Now, just coming to our next chapter of series of maths. Uh, the chapter is Halves and Quarters. लास्ट uh, चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सर्कल क्या होता है और सर्कल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था आई होप वो समझ में आया होगा आपको अब आगे बढ़ते हैं जो ये चैप्टर आया हाफ्स एंड क्वार्टर्स ये आपके बुक में क्यों आया पहले तो इसको समझते हैं हमारे रियल लाइफ में जैसे अगर मैंने आपको एक चीज़ बोली कि मेरे पास दस हैं और मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं सपोज़ मेरे पास क्या है मेरे पास टेन रुपीज़ हैं और मेरे पास दो बच्चे हैं और मुझे इनको आपस इन पैसों को उन दोनों बच्चों में इक्वली डिवाइड करना है क्या कर देना है इक्वली डिवाइड कर देना है तो दोनों बच्चों को कितने रुपए मिलेंगे ऑब्वियसली आप बड़े आराम से कह देंगे कि सर पहला बच्चा है उसको भी पाँच रुपये मिलेंगे और जो दूसरा बच्चा है उसको भी पाँच रुपये मिलेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी ये किया कैसे आपने आपने एक्चुअल में इसमें क्या किया बेटा टू से डिवाइड किया होता है तो आपको मिल गया कि पाँच पाँच बज रुपए दोनों को मिल गए बट जब आपके पास ये एक परफेक्ट डिविजिबल नंबर नहीं होगा तब आप कैसे बताएंगे कि किसको कितना हिस्सा मिला और जो एक्चुअल में आपको जो हाफ एंड क्वार्टर है ये एक तरीके से आगे क्लासेस में आपका बनेगा जाके फ्रैक्शन फ्रैक्शन को समझाने के लिए एक छोटा सा बेसिक फ्रैक्शन का क्या होता है वो आपको इस क्लास में बताने के लिए हाफ़ एंड क्वार्टर आया है जैसे मैंने आपको बोला अब मेरे पास एक रुपये है और मुझे अब उनको आधे दोनों बच्चों में बराबर बराबर बांटना है तो आप कहोगे सर एक का है तो आधे आधे बटेंगे तो ये आधा और उस आधे को भी अगर मुझे फिर से बांट देना है आधा आधा तो फिर वो वन अपॉन्ट फोर बनता है उसको हम क्वार्टर कहते हैं इन सब चीज़ों को समझाने के लिए कि आप कैसे किसी चीज़ को इक्वली डिवाइड करोगे अगर वो परफेक्ट डिविजिबल है टू से तब तो कोई दिक्कत नहीं बट परफेक्ट डिविजिबल नहीं है या फिर अगर हम बोलें कितना हिस्सा किसका होता है, उस चीज को समझाने के लिए आपके में हाफ एंड तो आप आगे पढ़ेंगे, तो तो पहले बता दूं मैं हाफ को हम मैथमेटिकल लिखते कैसे हैं, तो हाफ का मतलब वो हो गया बेटा क्या क्वार्टर जो ये वन अपॉन फोर वन अपॉन टू थ्री अपॉन टू फाइव अपॉन सिक्स सेवन अपॉन नाइन जो भी चीज़ें हैं इसको हम आगे चल के क्या बोलते हैं फ्रैक्शन कह देते हैं क्या कह देते हैं फ्रैक्शन कह देते हैं भाई आगे चल के वन अपॉन टू थ्री अपॉन फोर सिक्स अपॉन नाइन टेन अपौन सेवन जो भी चीज़ें आप ऐसे अपॉन में लिख देंगे अपॉन में उनको हम फ्रैक्शन कह देते हैं तो यही आगे जाके फ्रैक्शन बनने वाला है आपका कौन हाफ्स एंड क्वार्टर्स तो सबसे पहले ज़रा कंसेप्ट की बात करेंगे कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में है, तो सबसे पहले आ जाते हैं इनको जरा समझते हैं कि हाफ़ बनता कैसे है क्वार्टर कैसे बनता है यार ये क्या है तो जरा सबसे पहले हम एक सर्कल को बना लेते हैं सपोज ये आपका एक सर्कल हो गया ठीक है और आपको एक चीज ये ध्यान रखना है जो मैंने यहां लिखा ना इक्वली डिवाइड ये ध्यान रखना है वर्ड आपको इक्वली डिवाइड करना होता है उसी को हम कहते हैं हाफ एंड क्वार्टर वाली बात तो जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है जो कि बहुत खराब बना है बट अगर मान लीजिए मैंने इसको क्या किया बीच में से बराबर बराबर बांटा बिल्कुल सपोज़ मान लीजिए कि ये इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट से सेंटर लास्ट में पढ़ चुके हैं और ये क्या हो गई पूरी डायमीटर ये भी बताया मैंने आपको लास्ट वीडियो में तो अगर मैंने बिल्कुल इसको बीच में से काट दिया तो अब एक्चुअल में इसको आप बोलोगे कि ये क्या हो गया इस सर्कल का हाफ़ हो गया क्या हो गया हाफ हो गया या फिर हाफ को हम क्या बोल देते हैं वन अपॉन टू तो अब एक्चुअल में ये वन अपॉन्ट टू कैसे बना जरा ध्यान से सोचो सबसे पहली चीज़ ये एक सर्कल था हमने इसके कितने हिस्से कर दिए दो हिस्से कर दिए जब दो हिस्से कर दिए तो ध्यान रखिएगा अपॉन में बेटा जो आता है वो हमेशा टोटल वैल्यू कहलाती है जो भी अपॉन में जैसे ऊपर वाले को हम क्या बोल देते हैं बेटा न्यूमरेटर कहते हैं ये भी आप जान लीजिए उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं क्या कहते हैं हम न्यूमरेटर कहते हैं और डिनोमिनेटर कहते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है बेटा वो हमेशा टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है किसको रिप्रेजेंट करता है टोटल वैल्यू को मतलब क्या हुआ यहाँ पर कितने हिस्से हो गए दो तो कितनी वैल्यू टोटल कितनी है दो हैं इसलिए हमने नीचे क्या लिखा टू और अगर हम पूछें कि ये कितना हुआ तो हम कहेंगे सर ये एक हुआ दो का ये एक हिस्सा हुआ इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं वन अपॉन टू लिख देते हैं आई होप बास वन में आई होगी टू क्यों आया क्योंकि टोटल कितने हिस्से थे दो और डिनोमिनेटर हमेशा किसको शो करता है टोटल वैल्यू को इसलिए दो हिस्से थे तो हमने अपॉन में क्या लिख दिया टू और हम किसकी बात करेंगे या तो इसकी बात करेंगे या तो इसकी एक ही की बात करेंगे ना तो जिसकी बात करी मान लो इसकी बात करी तो ये भी वन अपॉइंट टू और इसकी अगर बात करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा वन अपॉन्ट टू जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं सपोज अगर मान लीजिए ये आपका एक रेक्टेंगल है इसको मैंने क्या किया बीच में से सपोज काट दिया मान लीजिए ये इसका सेंटर पॉइंट था आपने बीच में से काट दिया अब कितने हिस्से हो गए तो आप कहेंगे सर अपॉन में टू क्यों क्योंकि टोटल वैल्यू नीचे आती है दो हिस्से हो गए मैंने पूछा सपोज ये वाला कितना हिस्सा तो एक ही तो हुआ दो में से एक ही हिस्सा तो हुआ तो आपने इसको क्या बोल दिया ये हो गया वन अपॉइन टू इसी को हम कहते हैं हाफ ठीक अब मान लीजिए इसी सर्कल का इस सर्कल को दोबारा बना लेते हैं जरा इस सर्कल को दोबारा बना लेते हैं और आपने जब दोबारा बनाया और मान लीजिए आपने क्या किया एक बार ये काटा फिर एक बार आपने और काट दिया अब देखिए कितने ऐसे हैं एक दो तीन चार टोटल चार ऐसे हैं नीचे क्या आता है टोटल वैल्यू टोटल कितने हिस्से हो गए चार हिस्से हो गए तो नीचे आपने क्या लिख दिया फोर अगर मैंने बोला कि ये कितना है तो आप कहोगे सर ये एक हिस्सा है चार में से एक तो आपने बोला कि ये हो गया वन, वन पॉइंट फोर अब मैंने क्या करा कि इस वन पॉइंट फोर की जगह अब मैंने बोला अच्छा अब बताओ अब कितने हिस्से हो गए अब भाई आप बोलोगे सर चार टोटल तो तो थे तो नीचे आप फिर से क्या लिख दोगे नीचे तो चार लिख दोगे चार ही हिस्से हैं लेकिन अब पूछ कितने लिए एक ये भी पूछ लिया और एक भी पूछ लिया दो हिस्से हो गए तो आप बोल दोगे सर अब ये कितना हो गया Two upon four. अब कोई एक को और आ गया कि नहीं सर इसको भी वही रंग लेते हैं अब क्या हो गया तो अब आप बोलोगे कि भाई कितने हिस्से हो गए एक दो तीन चार टोटल तो चार ही हिस्से हैं ना फिर से आप बोलोगे नीचे कितना आएगा फोर रंग कितने गए या कितने की बात पूछ ली गई तो तीन हिस्से अब आपके रंग चुके हैं तीन के बारे में पूछा तो अब आपका क्या हो गया थ्री अपॉन फोर और अगर हमने चारों रंग दिए सपोज़ तो आप आप क्या बोलोगे सर चार हिस्से थे और चारों रंग हैं दैट इज़ फोर अपॉन फोर ये है आपका क्वार्टर ये है आपका हाफ और ये ऐसे बनते हैं तो जो भाई वन अपॉन फोर बनाया मैंने इस वन अपॉन फोर को ही हम कहते हैं क्या क्वार्टर क्या कह देते हैं क्वार्टर बात समझ में आ रही है अगर दो हिस्सों का दो हिस्सों में बांटकर एक की पूछी गई तो वो आधा होता है और एक चीज को चार बराबर हिस्सों में इक्वली डिवाइड ये जरूर याद रखना चार हिस्सों में बराबर बांट के पूछा गया एक के बारे में तो वो वन अपॉन फोर डेटर्स क्वार्टर कहलाता है ये बात आपको ध्यान रखनी है ऐसे ही फॉर्मेशन ये होता है अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको और दे दूँ जैसे सपोज मान लीजिए इस बार मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया या स्क्वायर ले लिया कोई भी एक ये शेप ले ली और अब मैंने क्या किया कि इसको एक बार ऐसे बाँटा और एक बार मान लो ऐसे बांटा अब ये ध्यान रखना है कि ये जितने भी हिस्से बट रहे हैं बेटा ये सब इक्वल बटने होने चाहिए अगर इक्वल नहीं बटे तो ये सब चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी इसका भी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ पहले अब इसको देख लेते हैं कि मैंने अब इसमें क्या किया है भाई दो बार काटा मतलब बने कितने हिस्से एक हिस्सा ये बना एक बीच बीस का हिस्सा बना और एक ये नीचे का हिस्सा बना तो अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं, या फिर मैं अगर पूछूं कि ये कितना है तो आप कहेंगे सर आपने एक इस पूरे को क्या कर दिया है तीन हिस्सों में बांट दिया तीन बराबर हिस्सों में बांट दिया है और अगर अब मैं तुमसे पूछूँ बताओ अब मैंने कितने हिस्सों को कलर कर दिया या मैंने कितने हिस्सों की बात पूछ दी तो आप कहेंगे सर आपने दो हिस्सों को कलर कर दिया तो ये हो गया कितना टू अपॉन थ्री ये आपका बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से बात आपकी कंसेप्ट की ख़त्म हो जाती है कि हाफ क्वार्टर क्या होते हैं या फिर हम किसी चीज़ को कैसे इक्वली डिवाइड कर देते हैं आधे आधे में एक चौथाई में एक तिहाई में इसको हम वन थर्ड वन फोर्थ इसको हम टू फोर्थ कह देंगे इसको हम थ्री फोर्थ कह देंगे इसको हम टू थर्ड कह देते हैं ये है आपका बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए अब बात आती है क्वेश्चन की तो अब हम जरा क्वेश्चन पर जाते हैं और बीच में जो जो नए कन्सेप्ट आएंगे वो मैं आपको बीच में क्लियर आउट करता रहूंगा तो आपको पता है जैसे बाकी में हमने क्या किया है कि आप अपनी बुक्स या फिर अपना ऑनलाइन जैसा भी आपके पास सिस्टम है आप बुक खोल के बैठेंगे और मैं कंटिन्यूसली बोलता रहूँगा और आप उसको मैचअप करते रहेंगे सबसे पहले देखो एक आपको कहानी दी गई है मिंटू और मोटू दो दो कैट हैं उनके बारे में बताया गया है और एक बंदर है वो उसको कैसे बांट रहा है तो अच्छा देखो इसी में एक बात बताई गई है जैसे मान लो मैंने क्या किया कि एक सपोज एक सर्कल ही ले लेते हैं अभी हम एक सर्कल मान लो जो मैंने बना दिया मान लीजिए इस सर्कल को और मैंने बोला कि ये एक मान लो चॉकलेट का पीस है चॉकलेट है सर्कुलर चॉकलेट है मेरे पास फिर से दो बच्चे हैं और मुझे उनको ये बराबर बांटना है और मान लो एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम अब जो राम है वो मुझे बहुत प्यारा है तो मैं थोड़ी सी क्या कर दूंगा चीटिंग कर दूंगा वैसे आपको पता है कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ये इसका सेंटर है और जब सेंटर ही बैलेंस पॉइंट होता है और बैलेंस पॉइंट से जब आप किसी चीज़ को काटोगे तो ही वो बराबर बराबर हिस्सों में बटने वाला है लास्ट चैप्टर वाला वीडियो जरूर देखना बेटा तभी चीज़ें समझ में आएंगी मैं क्या बोल रहा हूँ तो अगर मैं थोड़ा सा चीटिंग कर जाऊँ और मैं इस सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा खिसकाते हुए लाइन ऐसे काट दूं तो अब क्या होगा कि जो आपके हिस्से बटे एक हिस्सा तो आपका इतना बड़ा हो गया और जो दूसरा हिस्सा है वो करीब करीब आपका इतना बड़ा हो गया तो क्या अब ये बराबर बटे तो क्या अब मैं इसमें पूछूं आपसे कि ये कितना हो गया तो अब आप क्या इसको वन अपू कहेंगे नहीं कहेंगे क्योंकि मैंने बोला था दिस मस्ट बी इक्वली डिवाइड बराबर हिस्सों में अगर नहीं बटा तो आप ये सब चीज़ें बेटा नहीं लिख सकते इसमें बराबर हिस्सों में ही बांटना होता है इसलिए ये चीज़ गलत है तो जो पहला ही आपको दिया गया है मिंटू और मोटू वाली बात उसमें यही है कि जो आप सेकेंड फोटो में देख सकते हैं या फर्स्ट फोटो में भी देख सकते हैं कि क्या हुआ कि उसने जो रोटी को बांटा है बेटा वो बराबर बराबर नहीं बटा एक हिस्सा बड़ा है और एक हिस्सा छोटा तो वहाँ पर क्या हो गई है चीटिंग हो गई है तो अब आपको नेक्स्ट बताया गया है कि हाफ हाफ क्या होता है बिल्कुल रोटी को इक्वल डिवाइड किया गया है ताकि दोनों कैट को बराबर बराबर हिस्सा मिल सके और अगर आपको किसी भी चीज को बिल्कुल बीच में से बांटना है तो आपको उसका सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए जब आपको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा तो ही बात बन पाएगी अब एक बात और क्या हुआ कि जैसे मैंने बोला कि ये जो सर्कल है इस सर्कल का आपने हाफ कर दिया ये तो हो गया आधा अब मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बताने की कोशिश की गई है कि जो ये आधी रोटी बची तो दो बिल्ली और आ गई दो कैट और आ गई और उन्होंने बोला कि भाई अब हमको भी रोटी चाहिए तो ये दो हिस्से मान लो बराबर बराबर बट गए थे तो अब क्या करना पड़ेगा इन दोनों ही रोटियों को और आधा आधा बांटना पड़ेगा और आधा बांट दिया और आधा बांट दिया तो अब देखो क्या हो रहा है ध्यान से सुनना यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है ये कितना हो गया था वन अपॉन्ट टू और अगर मान लो यही बात मैंने ये आधी आधी, आधी और बांट दी तो अब आप कहोगे कि सर हाँ ये कितना हो गया वन अपॉन्ट फोर हो गया तो अगर इस पूरी रोटी की बात करूं तो ये इसका आधा है और इस आधी रोटी की बात करूं तो ये इसका क्या है और आधा है अगर मैं इस आधी रोटी को इस वाली आधी रोटी को और मैंने बाँटा तो ये बाँट दिया अब कितने हिस्से हो गए फिर से दो हिस्से हो गए तो अब फिर से इसकी ही बात करूं, तो ये तो वन अपॉइंट टू हो गया इसके लिए लेकिन अगर मैं इसी रोटी की बात इस बड़ी वाली रोटी से करूं, तो ये इसका वन फोर्थ हो गया तो मतलब अगर मैं इस पूरी रोटी का आधा करता हूं, तो वो हाफ़ कहलाता है इसी रोटी के मैं चार हिस्से बराबर करता हूँ तो वो वन फोर्थ कहलाता है और अगर मैं इसी रोटी का और आधा करता हूँ तो भी वो वन फोर्थ कहलाता है या वन अपॉन टू कहलाता है तो आधे का भी जब आप आधा कर देते हो तो ही आपको क्या मिलता है वन अपॉन फोर फिर से सुनो अगर इस पूरी रोटी का आपने आधा किया तो आपको आधी आधी रोटी मिली उस आधी रोटी का आपने और आधा किया तो आपको और आधी रोटी मिली जो कि पूरी रोटी का बेटा क्या कहलाता है वन अपॉन फोर कहलाता है इस पूरी का आधा किया तो वन अपॉइन टू वन अपॉइंट टू का और आधा किया तो देखो इतना ही रोटी मिली और एक्चुअल में ये है कितना तो ये है सिर्फ वन अपॉन फोर तो आधे का और आधा जब आप कर देते हो तो वो क्या कहलाता है वन अपॉन फोर कहला जाता है जिसको हम हाफ ऑफ हाफ कहते हैं एक आपके में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है उस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए नीचे बोला है रानी गॉट अ चॉकलेट शी डिवाइडेड इट इक्वली एंड गिव हाफ टू हर फ्रेंड तो कितना हिस्सा भाई रीना को मिला या रानी ने अपनी दोस्त को देने के बाद रानी के पास कितना बचा अगर हम इस पूरे की बात करें तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और क्या करते हैं भाई एक ये चॉकलेट पहले बना लेते हैं सपोज ये रही इसकी चॉकलेट और इस चॉकलेट पर भाई चॉकलेट ब्राउन होती है तो चलो ब्राउन कर लेते हैं इसको ग्रीन रंग की चॉकलेट नहीं खाएंगे भाई ब्राउन चॉकलेट है हमारी तो जो चॉकलेट है उसके देखो उसने क्या कर रखी ये है ये चॉकलेट है ये सपोज आपकी डेरी मिल्क है भाई मुझे डेरी मिल्क नहीं पसंद बट फिर भी डेरी मिल्क है डेरी मिल्क है उसने बोला रानी गॉट अ चॉकलेट शी डिवाइडेड इट इक्वली एंड गिव हाफ टू हर फ्रेंड रीना इसने इसका हाफ कर दिया आधा आधा बांट दिया और अपनी दोस्त को दे दिया अब भाई इसका करना है आपको हाफ तो आप देख रहे होगे कि छः हिस्से हैं ठीक है आधा आधा बांटना है तो ऑब्वियसली कितना देना पड़ेगा तीन हिस्से उसको देने पड़ेंगे अगर उसने ये तीन हिस्से दे दिए अगर उसने इसको नीचे वाले ये तीन हिस्से दे दिए तो दोनों में आधा आधा बट जाएगा तो क्वेश्चन में ये पूछा है सर्कल द पोर्शन तो आपने सर्कल कर दिया पहला पार्ट कि कितना मिलने वाला है नेक्स्ट पूछ रहा है हाउ मेनी पीसेस ऑफ चॉकलेट आर देयर कितने पीस थे तो एक दो तीन चार पाँच छः छः पीस थे नेक्स्ट का आंसर कितना हो गया सिक्स हो गया और जो बोल रहा है कि हाउ मेनी पीसेज वर लेफ्ट विद रानी कितने पीस बच गए तो भाई तीन दे दिए छ थे तो बचे कितने तीन पीस बच गए रानी के पास तो रीना को भी तीन पीस मिल गए और रानी को भी तीन पीस मिल गए तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि भाई छः थे लेकिन अब मैं जरा इसकी बात करता हूँ फिर से फ्रैक्शन में या इसको हाफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो देखो भाई कितने हिस्से हो गए छः तो आप बोलोगे सर छः हिस्से हो गए ठीक अब आपको बोला कि भाई इसको आधा करना है तो आधा मतलब तीन हिस्सा ये ये और ये तो जितने दे दिए तो आपने बोला सर तीन हमने क्या कर दिए दे दिए तो ये बेटा एक्चुअल में आपका क्या बन गया अब इस पूरे छ हिस्से का हाफ बन गया क्योंकि तीन आपने दे दिए और टोटल कितने थे छः तो ये हो गए इसका आधा अब भैया बड़ी क्लासेस में जाओगे तो ये कट जाते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं और जब इसको डिवाइड करोगे थ्री की टेबल से तो ये आपको वन पॉइंट आप टू ही मिलेगा बट इसमें अभी आपको दिमाग इसलिए नहीं लगाना क्योंकि ये हायर क्लास की चीज़ है इतना समझिए इसको हमने हाफ कैसे किया टोटल छः हिस्से थे तीन दे देते तो बराबर बराबर हो जाता तो हमने तीन इससे दे दिए तो जो दे दिए वो ऊपर जो टोटल थे वो नीचे तो आधा कैसे हो जाता थ्री अपॉन सिक्स हो जाता और अगर इस तीन बाई छः को या थ्री अपॉन सिक्स को और थ्री अपॉन सिक्स कर देते और आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप पाओगे ये थ्री अपॉन सिक्स और थ्री अपॉन आधा आधा जब प्लस करोगे तो पूरा बन जाएगा ना तो देखो तीन और तीन है ना ये बड़ी तो तो तीन, तीन, तो क्लासेस की, तो की चीजें अभी आप इसको इतना, दिमाग इतना कि हमने इसका भी हाफ कैसे किया तो टोटल छ इससे थे तीन दे दिए तो थ्री ऊपर लिख दिए और सिक्स नीचे लिख दिया तो ये हो गया इसका क्या हाफ हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे

सपोज ये पांच रेक्टेंगल हैं आपके ये कितने रेक्टेंगल हो गए भाई आपके पाँच रेक्टेंगल हो गए वन टू थ्री फोर फाइव आपको बोला है आपको पांच तरीके ढूंढने हैं ताकि आप इन ट्राइंगल को रेक्टेंगल को सॉरी आधा आधा बांट सकें अब आपको ये ध्यान रखना है कि आधा बटे मतलब दोनों हिस्से बराबर होने चाहिए इस चीज़ का आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है तो भाई ज़रा ध्यान रखते हैं क्या करते हैं तो देखो सबसे पहला जो मेरे हिसाब से ईजी पार्ट है भाई आपने इसको ऐसे बांट दिया देखो यहाँ पे जो आप बांट चुके थे एक हिस्सा पहला पार्टी हो गया ये भी बराबर ये भी बराबर दूसरा आप इसको ऐसे भी बांट सकते थे ये भी बराबर ये भी बराबर आप और क्या कर सकते थे आप अगर ऐसे भी काट देते तो भाई देखो ये भी बराबर और ये भी बराबर और जब आपने इसको ऐसे काटा है ऐसे तो एक बार आप ऐसे भी तो काट सकते हो तो भाई देखो ये भी बराबर ये भी बराबर और एक जो लास्ट आपको सोचना है अगर आप इसको बिल्कुल ध्यान से रख के इधर से ऐसे काटोगे करीब करीब तो थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया सॉरी अगर आप इसको ऐसे करके बीच में से काट दोगे तो ये हिस्सा भी और ये हिस्सा भी बराबर हो जाएगा थोड़ा सा दोबारा अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ क़रीब करीब ऐसा कुछ काटेंगे इसको आप छोड़ दीजिए ऐसा कुछ काटेंगे तो आपको दोनों हिस्से क्या मिल जाएंगे बराबर तो ये पांच डिफरेंट वे हैं कि आप कैसे बांट सकते हो एक रेक्टेंगल को बिल्कुल इक्वली ये आपको बताया गया है इसमें ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं मैनी वेज टू मेक क्वार्टर्स अब बनाने हैं क्वार्टर तो अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जो बोलते हैं ना कान घुमा के पकड़ना है बस और कुछ नहीं करना है बातें वहीं रहनी है बस कान घुमाना है आपको कि जैसे मान लो मैंने बोला कि ये एक रेक्टेंगल है नहीं चलिए सर्कल कर लेते हैं आप सर्कल देख चुके हैं मान लीजिए सर्कल है ठीक है ये इसके आपने इसके कितने हिस्से कर दिए फ़ोर और मैं अगर आपको ये पूछता ये कितने हो गए तो आप कहोगे गया वन पॉइंट फोर ठीक है अच्छा देखो ये वन पॉइंट फोर हो गया अब मैंने ये कर दिया तो ये भी सिर्फ कितना हुआ सिर्फ ये वाला इसकी बाद सिर्फ ये वाला तो आपको सर ये भी सिर्फ कितना हो गया ये भी वन अपन फोर ये सिर्फ कितना हुआ? तो ये भी सर वन अपन फोर और ये भी सिर्फ कितना तो ये भी वन अप फोर अच्छा देखो भाई एक वन अ फोर दो वन अंट फोर तीन वन अंट फोर चार पॉइंट फोर टोटल कितने वन अंट फोर हैं ये चार वन ऑफ फोर हो गए तो अगर मैं बोलूं कि हर एक हिस्सा मिलके वन ऑफ फोर मिलाता है और हम इन सभी हिस्सों को या फिर अगर मैं देखो इसको बांटू तो ये वन अ फोर हुआ एक वन फोर ये वाला हो गया नीचे वाला वन पॉइंट फोर ये वाला हो गया और नीचे वाला वन अ फोर हो गया और जब ये अलग अलग हुए तो ये वन अआन फोर हुए और अब इन चारों वन अ फोर को मैं जोड़ देता हूँ इन्हें चारों को आपस में प्लस करता हूँ तो ये फिर से बन जाएगा ना तो फिर अगर मैं इन्हीं चारों को आपस में प्लस कर दूं इसी तरीके से फिगर के हिसाब से तो ये भी चारों मिलके क्या बन जाएंगे फिर से पूरी रोटी बन जाएंगे तो मतलब टोटल कितने से थे चार तो ये चार अपॉन फोर फोर अपॉन फोर सॉरी फोर अपॉइन फोर बन जाएगा जो मैं आपको यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहा था जैसे ये तीन और तीन फिर से मिलके हुए इसी तरीके से आप ध्यान से देखना कि ये हिस्सा फोर, 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 फोर जो कि ऐसे बट गए अब इन चारों को मैंने मिला दिया तो फिर से ये पूरा बिस्किट रोटी जो भी सोचो बन गया तो मतलब अगर हम इन चारों को फिर से अगर आपको अलग अलग करके फिर से प्लस किया तो ये आपस में कितना बन जाएगा फोर अपॉइन फोर ये कंसेप्ट है इसको भी आप जरूर ध्यान से रखिएगा कान घुमाना है मोड़ और कुछ भी नया इसमें नहीं है अब आगे बढ़ जाते हैं हम फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं जरा सेकंड पार्ट की तरफ वो वीडियो पूरा जरूर देखना है आपको ध्यान से नेक्स्ट पार्ट पर जब आप बढ़ेंगे तो आप फाइंड करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू कट अ रेक्टेंगल इन टू फोर इक्वल पार्ट्स अब आपको क्या बोला है रेक्टेंगल उतना ही है लेकिन आपको चार इक्वल पार्ट में बांटना है पहला क्वेश्चन क्या था ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो वो बोल रहा है इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन यू कट अटेंगल इन टू हाफ और यहां बोला है इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज यू कैन कट अरेक्टेंगल इन टू फोर इक्वल पार्ट इधर आधा आधा बांटना था अब जो करना है वो क्या करना है आपको चार चार हिस्सों में बांटना है तो जरा फटाफट फिर से हम क्या करते हैं बना लेते हैं हमारे रेक्टेंगल को जरा दो चलिए मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया है वरना वीडियो लंबी हो जाती है अब इसको हमें क्या करना है बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है चार हिस्से करने हैं हर रेक्टेंगल के ये चीज़ को ध्यान रखना है तो आपको चार बराबर करना है तो सबसे अच्छा तरीका एक ये दो और ये तीन आपने बना दिया तो एक दो तीन चार आपके चार बराबर हिस्से हो जाएंगे आप स्केल लेके बैठेंगे तो आप बराबर इसको बांट लेंगे एक तरीका ये हो गया एक तरीका और तरीका यहीं फिर से एक दो एक दो तीन और ये चार तो एक दो तीन चार ध्यान से बनाएंगे तो ये चार हिस्से में आप ऐसे बांट सकते हैं और जो चार तरीके में आपका आएगा तो एक तरीका आपका ये भी है आप इसको ऐसे भी बांट सकते हो तो देखो भाई ये एक दो तीन चार चार हिस्से बराबर फिर से बट गए फिर से अगर आपको बांटना है तो आप एक काम और कर सकते हो ध्यान से देखना अभी आप तो देखो भाई ये तीन चार रेक्टेंगल बन गए एक दो तीन चार ये भी चार बराबर हिस्से में बट गया और आप चाहो तो आप एक तरीके से और बांट सकते हो आप डेफिनेटली स्केल का यूज करिएगा वरना बात बिगड़ जाएगी अब आपने यहाँ पे फिर से इसको चार हिस्सों में बांटा है वन टू थ्री फोर तो ये चार हिस्से आप इनको इस तरीके से चार बराबर हिस्सों में बांटना था तो अगर मैं पूछूं कितना फ्रैक्शन वन अप फोर कितना फ्रैक्शन वन अपॉन फोर कितना फ्रैक्शन वन अप फोर कितना फ्रैक्शन वन अप फोर और अगर मैं पूछूं ये वाला कितना फ्रैक्शन तो ये भी वन अप फोर क्योंकि हमने इसको चार बराबर हिस्सों में बांटा अगर चार बराबर हिस्से नहीं होते तो भाई बात आपकी नहीं बनने वाली थी अब यहां से मैं इस कंसेप्ट वीडियो को यहां पे बोलता हूं खत्म करता हूं क्योंकि यहां से बेटा कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो आपके क्वेश्चन पे रिलेटेड है तो वो आपको जरूर देखनी है लेकिन उसको देखने के लिए पहले आपको कंसेप्ट समझना है तो यहां पर आपकी कंसेप्ट वीडियो खत्म होती है नेक्स्ट पार्ट पे मैं कंटिन्यू करूंगा बाकी क्वेश्चन आंसर्स को लेकर क्योंकि वहां पर आपको अब यह सीखना है कि ये जो फ्रैक्शन है या ये हाफ या क्वार्टर है इसका यूज करके आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह ये समझोगे तो आगे का काम समझ में आने वाला है तो आगे वीडियो के लिए वेट करिए मैं डेफिनेटली उसको बना के पोस्ट करूंगा आई होप बाकी चीज आपको समझ में आएगी इन चीजों को दोबारा देखना एक दो बार तो आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे